70 सालों से चले आ रहे भारतीय कानून में कई तरह के बदलाव कर दिए हैं और आज से वह लागू भी हो गए हैं। हमारे साथ डीसीपी ऋषिकेश मेड़ा जी मौजूद है। हम बात करते हैं सर, किस तरह से जो नया कानून आया है, किस तरह से इसके बारे में पुलिसकर्मियों को जानकारी दी गई? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पुराने क्रिमिनल लॉज से उनको रिपील करके जो अभी भारतीय क्रिमिनल लॉ जो अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं, जिनको एक्ट के थ्रू 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ था, और 1 जुलाई से आज वो इफेक्टिव हो गए हैं। इस सब के लिए एमपी पुलिस की तरफ से, इंदौर पुलिस की तरफ से और हमारे सभी थानों की तरफ से लगभग पिछले 1-1.5 महीने से तैयारी की जा रही थी। लगातार जो मास्टर ट्रेनर हैं उनके द्वारा सभी जो हमारे आरक्षक से लेके टीआई स्तर के, इवन डीसीपी डीएसपी लेवल के जो अधिकारी थे, सभी का मतलब ट्रेनिंग हुई है। सभी को हैंड्स ऑन करवाए गए हैं, सभी को ट्यूटोरियल्स भेजे गए हैं और जो मुख्यालय की तरफ से सभी को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया गया है। तो जो चेंजेज हुए थे उनके बारे में हमारे स्टाफ को तो हमने पहले ट्रेनिंग दे दी थी, लेकिन आज चूंकि एक बहुत बड़ा दिन है, हमारे तीनों कानून आज रात के 12 बजे से लागू हो गए हैं, 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इसके लिए आज हमने पब्लिक के बीच में जाके भी, आम जनता के बीच में जाके कि जिसमें भी जिसमें कुछ कानूनविद हैं, कुछ स्कूल टीचर्स हैं, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, सभी तरीके के वर्गों के लोगों को हमने आज थानों पर बुला के, हर थानों पर बुला के एक प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें हमारी जो केंद्रीय सरकार है, जो हमारी राज्य सरकार है, उनका इस पूरे बदलाव को लेके क्या मंतव्य हैं, क्या उद्देश्य रहे हैं, उनसे अवगत करवाया गया है और कैसे इनको पूरे कानूनों को पीपल सेंट्रिक बनाया गया है, महिलाओं के अपराधों को किस तरीके से इसमें गंभीरता दिखाई गई है, बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर किस तरीके से गंभीरता दिखाई गई है, इन सारे बिंदुओं पर बड़े ही डिटेल वे में सभी थानों पर चर्चा की जा रही है। इंदौर में जौनपुर में लगभग आधे से ज्यादा 7-8 थानों पे ये प्रोग्राम हो गए हैं और जहाँ कुछ बच्चे हैं वहाँ कुछ ड्यूटीज की वजह से होना बाकी है, वो शाम तक हो जाएंगे। सर, एक और बात इसमें यह भी सामने आया, नए कानून में यह भी प्रावधान कर किया गया है कि जो भी पुलिस अधिकारी मौके पर जांच करने जाएगा वो वीडियो और ऑडियो से साक्ष्य और जो फरियादी है उनके जो गवाह रहेंगे, जो साक्ष्य रहेगा वो एकत्रित किए जाएंगे, तो क्या उनको अलग से कोई गैजेट्स दिए हैं या सुरक्षित? बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ काम पहले से पुलिसिंग करती आ रही थी, उनको अभी कानूनी जामा है वो पहनाया गया है। जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, जो ऐसा है, उनके लिए इस कानून बना दिया गया है कि उनके घर पे जाके FIR ली जाए, 0 FIR, और जो क्या कहते हैं जो EFIR है उसका जो सिद्धांत है उसको कानूनी तौर से लागू किया गया है। और जो ई साक्ष्य संकलन का जो काम है, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन का काम है, ये हम लोग पहले भी करते आ रहे थे, अभी उसको कानूनी बाध्यता दे दी गई है। तो बिल्कुल जो हमारी यहाँ की इंदौर की पुलिस है, हमारे जो थाने का स्टाफ है, वो ई साक्ष्य संकलन के लिए हमने उनको ट्रेन कर दिया गया है और उनको जो आवश्यक चीजें हैं वो भी अवेलेबल करवा दी गई है और इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें पूरा हमारा जो फोकस है वो इसी पे है और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट करी जाएगी। सर, कई बार देखने में आता है कि जो भी पुलिसकर्मी जांच करने के लिए आता है तो उसे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, तो कोई अलग से मोबाइल या गैजेट? इसमें हम स्टोरेज डिवाइसेज हमने थाना स्तर पर खरीदे हैं और कुछ हमें हेडक्वार्टर की तरफ से भी मिले हैं। इसके लिए कैसे इसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संधारण किया जाएगा, इसके लिए अभी कार्य योजना बन रही है और इसको जैसे हम अभी तक संधारण करते हैं उससे बेहतर तरीके से हम इसमें संधारण करेंगे ताकि जो इसमें कन्विक्शन रेट है उसको हम बढ़वा सकें। इसी के साथ सर, कई बार देखने में आता है कि जो आरक्षक या पुलिसकर्मी जो रहता है वो और फरियादी में नए कानून के बाद कहीं कुछ किसी तरह की कोई गलतफहमी हो जाए या इस तरह का कोई घटनाक्रम या विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए, उससे बचने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग दी? देखिए, तीनों कानून बहुत ही वृद्ध हैं, बहुत ही बड़े हैं। ट्रेनिंग हमने दे दी गई है, स्टडी मटेरियल हमने सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया है, हर एक थाने पे हमने इस सभी को इंस्ट्रक्ट किया है कि NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट रिपोर्टिंग ब्यूरो की तरफ से, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से एक संकलन ऐप उन्होंने हमारे मतलब केंद्र से जारी किया गया, वो संकलन ऐप हमने सभी जो हमारा स्टाफ है, चाहे वो कॉन्स्टेबल से लेकर TI तक या हमारे गजेटेड ऑफिसर, सभी के मोबाइल में संकलन ऐप इंस्टॉल है। उसमें जो भी हमें कुछ कन्फ्यूजन होता है या कुछ ऐसी सहायता लेनी होती है तो हम तत्काल उसमें लेते हैं। अभी चूंकि आज से इम्प्लीमेंट हुआ है, पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रही है,
हो सकता है कि कुछ छोटा मतलब छोटा मोटा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन हमने सभी को इंस्ट्रक्ट किया कि गलती नहीं करनी है। आप चाहे हार्ड कॉपी में रखिए, चाहे सॉफ्ट कॉपी में रखिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वे में रखिए, लेकिन सारे के सारे नियमों को आप टिप्स पे रखिए, ताकि किसी भी तरीके की कुछ गलत होती है या कुछ कन्फ्यूजन होता है तो तत्काल उसको रेफर किया जाए। और हमारे PHQ में भी जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने भी एक हेल्पलाइन सेंटर डाला हुआ है। हमारे यहाँ जो कानून विद हैं DPO ADPO साहब, वो भी हमारे सब तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो शुरुआत में हमारे जो थाने पे जो FIR होंगे उनको हम भी पूरा सुपरवाइज करेंगे, और ऐसी कोई स्थिति निर्मित होगी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हमने दे दी है। सर रात 12 बजे से लागू हो गया है, तो आपके जोन में कहीं इस तरह से नए धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ किसी थाने? अभी किसी भी थाने जौनपुर में अभी किसी भी थाने पे नए BNS के थ्रू कोई के तहत कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। अभी दो शिकायत अभी हमारे एक चंदनगर पे और एक छतरीपुरा थाने पे आई है, तो उनके अभी जो पंजीबद्ध करने की प्रक्रिया है वो चल रही है। सर एक और कंफ्यूजन था, यदि रात 1 जुलाई की रात को 12 बजे बाद कोई अपराध होता है तो क्या 12 बजे बाद वो शिकायत लेकर थाने पर आता है, तो किन धाराओं में प्रकरण देखिए, दर्ज? इसमें ऐसा है कि यदि अपराध घटित हुआ है 12 बजे से पहले तो उस पर IPC लागू होगी, और यदि अपराध 30 तारीख को 12 बजे के बाद मतलब 1 जुलाई लगने के बाद यदि अपराध घटित हुआ है तो उसमें BNS भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। ये थे हमारे साथ DCP ऋषिकेश मीणा जी, इनकी डेस्क पर भी मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो नया कानून आया है उसका यहाँ पर पूरा मटेरियल रखा हुआ है। ये आप देख सकते हो, जो नया कानून आया है उसका पूरा मटेरियल यहाँ पर है, ये पूरा मटेरियल है जिसमें विभिन्न धाराओं का जिक्र है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर IPC में जो बदलाव हुए हैं और BNS जो नया भारतीय संविधान आया है उसके तहत यह पूरा यहाँ पर इनके डेस्क पर भी रखा हुआ है। यदि कोई फरियादी यहाँ पर भी आता है कि इन धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, या तमाम तरह की जो शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचती है, तो खुद जो वरिष्ठ अधिकारी है वह भी पूरी विभिन्न जो बदलाव हुए हैं उसकी सामग्री लेकर यहाँ पर बैठे हैं और जो फरियादी आया है उसको संतुष्टि यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।